वेलकम टू डॉग्स पेरेंटिंग। मैं हूं सुरभि और आज हम बात करेंगे डॉग ब्रीड पग के बारे में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पग एक काफी एशियन डॉग ब्रीड है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 400 BC के टाइम भी पग एग्जिस्ट करते थे। मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल्स ये मानते हैं कि पग का ओरिजिन चाइना के अंदर ही हुआ था और पहले के टाइम में इनको चाइनीज रॉयल्टीज यानी जो चाइनीज फैमिली होती थी वही एज अ कंपेनियन डॉग एडॉप्ट किया करती थी या फिर जो बहुत ही वेल्दी लोग होते थे। पग टॉय डॉग ग्रुप को बिलोंग करता है। इसका वेट जो होता है 6.3 से लेके 8.1 kg तक होता है। वहीं पे इसकी हाइट 10 से लेके 13 इंचेस तक होती है अगर हम शोल्डर से मेजर करें तो। अगर आप एक पग पप्पी को एडॉप्ट करने की सोच रहे हैं और थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे पहचाने कि ये रियल पग पप्पी है या नहीं, तो ध्यान से सुनिए। पग का जो हेड होता है वो राउंड शेप का होता है। इसकी मजल जो होती है यानी फेस जो होता है वो फ्लैट होता है। इसके पूरे फेस पे रिंकल्स होते हैं, इसके हेड पे भी रिंकल्स होते हैं, नेक पे और चेस्ट पे भी रिंकल्स होते हैं, इवन टेल के आसपास भी थोड़े से रिंकल्स होते हैं और काफी डीप रिंकल्स होते हैं। इनके फेस पे काफी सारे मोल्स होते हैं ब्लैक कलर के। इनकी आईज जो होती हैं वो काफी बड़ी सी होती हैं, इवन छोटे पपी की भी इनके फेस के हिसाब से काफी बड़ी और थोड़ी उभरी हुई सी होती हैं और डार्क ब्राउन कलर की होती है। कई बार तो इतनी डार्क ब्राउन कलर की होती हैं कि थोड़ा ब्लैक सी भी लगने लगती हैं। हेल्दी पपी की आईज में हल्का सा शाइन होता है। इनके ईयर जो होते हैं वो हमेशा नीचे की तरफ होते हैं और हमेशा ब्लैक कलर के होते हैं। इनके मुंह पे भी हल्का सा ब्लैक शेडिंग होती है हेड पे, जो भी इनका कलर है जैसे फॉन कलर है उसके साथ हल्का सा ब्लैक शेड होगा। इनके ईयर्स काफी पतले होते हैं, छोटे होते हैं और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। आप हाथ लगा के देखेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट सा टेक्सचर होगा और हल्का सा एज होगा ईयर्स के अंदर। इसके साथ साथ ये इनकी नेक जो होती है काफी मोटी होती है और जैसे मैंने बताया पूरे पे रिंकल्स होते हैं। इनकी बैक हमेशा स्ट्रेट होती है, लेग इनके मीडियम साइज के होते हैं और टेल इनकी हमेशा ऊपर की तरफ होती है और कर्व्ड होती है। और किसी किसी पग के अंदर जो कर्व होता है उसमें दो राउंड्स भी आते हैं। का जो कोट होता है वो थिन और स्मूथ होता है और काफी सॉफ्ट होता है और शॉर्ट होता है और हल्का सी शाइन भी होती है उसके अंदर। बहुत ज्यादा शाइनी नहीं होता लेकिन डल भी नहीं होता है। इसके कलर्स की बात करें तो पग 4 कलर में पाए जाते हैं, पूरा ब्लैक, फॉन, सिल्वर फॉन और एप्रिकॉट कलर, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। इन सभी कलर्स के अंदर मजल जो होती है यानी फेस जो होता है वो हमेशा ब्लैक कलर का ही होता है। चीक्स जो होते हैं ब्लैक कलर के ही होते हैं और सबके अंदर रिंकल्स होते हैं और मोल्स भी होते हैं और हल्की सी ब्लैक शेडिंग भी होती है हेड के ऊपर। कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि पग के जो एंसेस्टर्स थे वो मैस्टिव डॉग के डिसेंडेंट थे और पहले डॉग फाइट्स में यूज किए जाते थे। वैसे मेरे से पूछा जाए तो मैं तो पग को सिर्फ दो चीज के लिए फाइट करते हुए देख सकती हूँ, एक फूड के लिए और कौन ज्यादा सॉफ्ट बेड पे सोएगा। लेते हैं पग के ग्रूमिंग नीड्स के बारे में। तो पग के हेयर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होते हैं और इससे कई बार हमें ये लगता है कि पग को बहुत ज्यादा ग्रूमिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअली इसका बिल्कुल अपोजिट है। पग जो होता है वो बहुत ज्यादा शेड करता है और पूरे ईयरली शेड करता ही रहता है। मतलब कि ये है कि कुछ डॉग तो सीजनल शेड करते हैं लेकिन पग के बाल हमेशा झड़ते रहते हैं। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर आप अपने पग को हफ्ते में 2 से 3 बार ब्रश करते रहेंगे तो ऐसी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखें कि इनके जो रिंकल्स होते हैं हेड पे, फेस पे और नेक पे, उसको प्रॉपरली क्लीन करते रहें। एक कॉटन के कपड़े से उसको वार्म वाटर में भिगो के उसको हमेशा क्लीन करते रहना चाहिए और फिर उसको वाइट टॉवल से भी क्लीन करते रहें, जिससे कि उसमें कोई भी फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप ना हो। और इसके साथ साथ ध्यान रखें कि इनके जो आईज हैं और ईयर्स हैं वो भी क्लीन करते रहें। इनकी आईज जो होती हैं वो थोड़ी पॉप्ड आउट आईज होती हैं तो उसमें बहुत ही इजीली इन्फेक्शन हो जाते हैं, इसलिए इस चीज का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको इनके आईज से कोई डिस्चार्ज निकलता हुआ दिख रहा है या आईज के अंदर रेडनेस आती हुई दिख रही है तो अपने वेट को इस बारे में जरूर बताना चाहिए। अगर आपने एक पग एडॉप्ट कर लिया है या फिर आप एक पग को एडॉप्ट करने वाले हैं तो आपके दिमाग में पग के हेल्थ केयर के बारे में जरूर आया होगा। तो चलिए इसके हेल्थ केयर के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक अमेजिंग फैक्ट बताती हूँ। क्या आपको पता है कि पहले के पग जो थे वो काफी ज्यादा थिन होते थे, उनकी हाइट भी ज्यादा होती थी और वो काफी एक्टिव होते थे। लेकिन फिर क्या हो गया कि पग ऐसे क्यूट से फ्लफी से बन गए? तो वो इसलिए हुआ क्योंकि पहले के जो चाइनीज ब्रीडर थे वो चाहते थे कि
पग के फोरहेड पे एक पैटर्न बने जो कि चाइनीज करेक्टर प्रिंस का, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, तो ये वाला पैटर्न डेवलप करना चाहते थे। इसकी वजह से ना उन्होंने पग को अलग अलग डॉग से ब्रीड कराया, जिससे आज के पग जो थे वो ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गए। अब वो पैटर्न वगैरह तो बना नहीं, पर उसकी वजह से पग को बहुत सारे हेल्थ इशू मिल गए। एक तो इनका बॉडी वेट बढ़ गया, हाइट भी इनकी कम हो गई, और ब्रीदिंग इशू हो गए क्योंकि इनका फेस जो था वो फ्लैट हो गया, जबकि पहले के जो पग होते थे उनका फेस फ्लैट नहीं होता था, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं इमेज में। तो पग के अंदर आजकल कई सारी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, जैसे स्किन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, हिप डिप्लेशिया, फ्लैट फेस होने की वजह से ब्रीदिंग इशू जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इशू हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो कि है ओबेसिटी की प्रॉब्लम। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे करना है। देखिए, अगर आप अपने पग को क्लीन रखेंगे ना, अगर आप उसकी ग्रूमिंग करते रहेंगे, तो 50% तो आपका पग वैसे ही हेल्दी रहेगा, क्योंकि मोस्टली पग्स को स्किन इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, ये सब होता है। तो ये सब कब होता है? जब आप पग को क्लीन नहीं करते। इनके रिंकल्स काफ़ी ज़्यादा डीप होते हैं, और कई बार उसके अंदर वेंटिलेशन ना होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। तो अगर आप अपने पग को क्लीन रखेंगे तो आपका पग आधा तो वैसे ही हेल्दी हो जाएगा, वैसे ही बीमार नहीं पड़ेगा। दूसरा आ जाते हैं इनके फ्लैट फेस वगैरह की वजह से और जॉइंट्स की वजह से। तो फ्लैट फेस के लिए तो देखिए, आप ये ध्यान रखें कि पहली मैंने बताया रिंकल्स क्लीन रखेंगे तो मुँह के अंदर गंदगी नहीं जाएगी, तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ ये ध्यान रखें इनके गले पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, तो इनके आईज भी कई बार पॉप आउट हो जाती हैं, और ये कॉमन नहीं है, रेयरली कभी ऐसा होता है। और अगर कभी ऐसा होता है तो आपको इमीडिएटली इमरजेंसी में अपने वेट के पास जाना है, वो उसको क्योर कर सकते हैं। साथ साथ आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि कोल्ड से और बहुत ज़्यादा गर्मी से अपने पग को थोड़ा बचा के रखें, कि गर्मी में हीट स्ट्रोक ना हो, उसमें भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और सर्दी के अंदर भी कोई साइनस इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ना हो जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो। इसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके साथ साथ अब ये आपके पग के लिए भी डेडली हो सकता है, क्योंकि इनको बहुत जल्दी रेस्पिरेटरी डिसीज होती हैं सांस लेने की प्रॉब्लम की वजह से, तो स्मोकिंग भी ना करें। इसके साथ अपना घर साफ रखें जिससे इनको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो और आपको भी ना हो, तो बहुत ईजी सा उपाय है। और अगर आप नोटिस करते हैं कि इनके नाक से बहुत ज़्यादा कोई डिस्चार्ज आ रहा है, थोड़ा बहुत डिस्चार्ज इनके आता है, और या फिर इनके बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है सांस लेने में, क्योंकि हल्का फुल्का ये नाक को जैसे गुर्राटे वगैरह लेते हैं पग, और इनके मुँह से थोड़ी आवाज़ आती रहती है फ्लैट फेस की वजह से, तो वो नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि इनको थोड़ा सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इमीडिएटली अपने वेट से कंसल्ट करें इस बारे में, वो चीज़ ठीक हो सकती है अगर आप जल्दी कंसल्ट करेंगे तो। हिप डिप्लेशिया में ये देखिए, कई बार ये जनरेटिकली भी होता है और कई बार ये डेवलप भी हो जाता है। डेवलप कैसे हो जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा ओबेस हो जाता है डॉग तो भी डेवलप हो जाता है, और कई बार बहुत ज़्यादा हम ओवर एक्टिविटी करा देते हैं, जैसे पग जो होता है वो अगर बहुत छोटा साइज़ का होता है और अगर हम उसको स्टेयर्स वगैरह चढ़ाएंगे तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हैवी स्ट्रेनिंग वर्क हो जाएगा ना छोटे एज के पपी के लिए, तो ये सब काम नहीं कराएं। बहुत ज़्यादा उसको जंपिंग ना कराएं, स्टेयर्स ना चढ़ाएं, इतने सारे स्टंट ना कराएं अपने पपी से। जब वो 3 महीने का हो जाए ना, जब उसके बोन्स पूरे तरीके से डेवलप हो जाएं, स्ट्रांग हो जाएं, तब वो जो मन में आए करें, उससे पहले थोड़ा सा ध्यान रखें। बात कर लेते हैं ओबेसिटी। तो ओबेसिटी में एक देखिए, आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो पपी है वो शुरू से एक्टिव रहे, और शुरू से मेरा मतलब है 3 महीने के बाद से, जब उसके बोन्स वगैरह डेवलप हो जाएं, तो तब से वो थोड़ा एक्टिव रहे। और पर्टिकुलरली एक फीडिंग अमाउंट रखें कि हमें अपने पपी को इतने टाइम खाना देना है और इतना खाना देना है, क्योंकि पग ऐसी ब्रीड है जिनकी भूख ना कभी शांत नहीं होती, इसलिए ओवर फीडिंग कर लेते हैं। तो हमेशा खाना पर्टिकुलर लिमिट में देना चाहिए। और अगर आप अपने पग को बाहर की ट्रीट्स देते हैं, जैसे आजकल च्युइंग स्टिक्स, बोन, आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अगर आप वो सब और उसके साथ साथ आप अपने पपी को खाना भी दे रहे हैं, उतना ही खाना दे रहे हैं जितना आप रेगुलर दे रहे हैं, ऊपर से ट्रीट भी दे रहे हैं, ऊपर से आपके घर में कोई बच्चा आया उसने बिस्किट चिप्स ये सब भी खिला दिए, तो ऑलरेडी वो पहली खा रहा है, फिर वो इतना सारा और कार्ब भी खा रहा है, तो नुकसान तो करेगा, वेट तो बढ़ेगा ही। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा कट ऑफ करें, वैसे भी बाहर की कोई चीज़ नहीं दें, और जो ट्रीट्स वगैरह हैं उनको भी थोड़ा लिमिट में दें। किसी दिन आपको लगता है कि मैंने ज़्यादा ट्रीट दे दी, तो उस दिन खाने को थोड़ा कम दे दें,
और इसके साथ साथ अगर आप ये भी कर सकते हैं कि नेचुरल चीज़ों से ट्रीट को रिप्लेस भी कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, जैसे कि गाजर वगैरह हो गई। मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई हैं और उसमें बताया कि कौन से फ्रूट वेजिटेबल अच्छे होते हैं डॉग्स के लिए, तो आप वो चेक करके वो चीज़ें भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, नेचुरल फ्रूट से। इसलिए कह रही हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करोगे तभी तो पता चलेगा ना कौन सी नई वीडियो आई है, शॉर्ट आई है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, लाइक भी कर दें वीडियो को। और वैसे भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाली हूँ, शॉर्ट वीडियो ओबेसिटी के बारे में कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, 2-3 दिन में आ जाएगी, तो वो भी देख लेना। कि ट्रेनिंग और नेचर की बात कर लें तो नेचर में ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, काफ़ी जेंटल होते हैं और बहुत ही जल्दी से सबसे मिक्स हो जाते हैं, यानी कि सारे पेट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ बहुत खुशी से रह लेते हैं। थोड़े से वॉच डॉग भी होते हैं, मतलब अगर कोई स्ट्रेंजर आ गया तो थोड़ा बहुत बार्क वार्क भी कर देंगे, लेकिन गार्डिंग ज़्यादा नहीं करेंगे, सबसे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। और इनको खाना और सोना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, जिसकी वजह से ये बच्चों के साथ बड़े खुशी से रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन हाँ अगर आप एक्टिव होंगे तो आपका पग भी एक्टिव रहेगा और उसको रहना भी चाहिए। इनकी ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग में ये बहुत ही ज़्यादा इजी भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, थोड़े से मूडी होते हैं, अगर मूड किया तो ट्रेनिंग करेंगे, नहीं तो कई बार इनको ज़्यादा खेलना या फिर ज़्यादा सोने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। लेकिन हाँ अगर आप इनको फूड के साथ ट्रेनिंग कराएंगे तो ये फटाफट कर लेंगे, क्योंकि फूड के लिए इनका लालच कभी ख़त्म होता नहीं है। तो हाँ ये थोड़े से स्लो लर्नर हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सीखते नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पग जो है वो एक परफेक्ट फैमिली डॉग है, बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, छोटे बच्चे हैं अगर आपके घर में तो बहुत ही लविंग डॉग है पग, मतलब बेस्ट चॉइस है पग बच्चों के लिए, बहुत ही खुशी से रहते हैं बच्चों के साथ और पेट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, कैट के साथ, सबके साथ बहुत खुशी से रहते हैं। इन्हें बाहर घूमना फिरना भी पसंद होता है अगर आप घूमेंगे तो, अगर आप भी घर में ही रहते हैं बाहर नहीं निकलते तो आपका पग भी लेजी हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप शुरू से आदत डालेंगे घूमने फिरने तो ये भी बाहर घूमेंगे फिरेंगे ट्रैवल करेंगे, तो सब काफी लो मेंटेनेंस है। बस इनकी ग्रूमिंग पे ध्यान देना, अगर आप इनकी ग्रूमिंग पे ध्यान दे देंगे और खाना इनको कम देंगे, ओवर नहीं देंगे, तो ये वैसे ही हेल्दी रहेंगे, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सुनने में लगता है कि यार इतनी सारी डिसीज़ हैं और ये डिसीज़ें सब प्रिवेंटेबल डिसीज़ हैं, कोई भी ऐसी नहीं है कि ये प्रिवेंट नहीं की जा सकती। अगर आपको एक स्मॉल साइज़ का अपार्टमेंट फ्रेंडली वॉच डॉग चाहिए जो बच्चों के साथ भी काफ़ी फ्रेंडली हो और पेट्स के साथ फ्रेंडली हो, सबके फैमिली के साथ अच्छे से रहे, ट्रैवल भी करे, घूमे फिरे और घर में आके आपके साथ कडल भी करे, तो पग आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। ये थे हमारी आज की वीडियो डॉग ब्रीड पग के बारे में। होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां पे भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और कोई चीज पूछनी हो या फिर आपको कोई सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।